आं पैलान नरत्न खुलुंग मास कांग्या फारो खुलुंग खा लंदन से आने के बाद ये मेरा पहला इंटरेक्शन है सबसे। लंदन में एमपी से बात किया, अंग्रेज से बात किया, बहुत लोगों से बात किया, लेकिन अपना बुकुंग बारा के सामने बात करने में अच्छा लगता है क्योंकि दिल से मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले लेट मी थैंक खुमुलुंग का, जो यहाँ में आपने 19 गांव सभा का, विलेज काउंसिल का आप लोग ने मीटिंग किया है। लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर लीडर को मालूम नहीं है कि हम लोग का उद्देश्य क्या है, अगर लीडर को मालूम नहीं है कि हमारा कमिटमेंट क्या है, अगर लीडर को मालूम नहीं है हमारा आइडियोलॉजी क्या है, अगर लीडर को मालूम नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, तो कोई भी पार्टी ज्यादा दिन एक संग नहीं रह सकता। हमारा कमिटमेंट क्या है? हमारा कमिटमेंट है थानसा, हमारा कमिटमेंट है ग्रेटर तिप्रा लैंड, हमारा कमिटमेंट है नो कॉम्प्रोमाइज, हमारा कमिटमेंट है हमारा दोफा के साथ, हमारा कमिटमेंट है कि ये जो तिप्रा सा जो एक साल इस एक समय में पूरा त्रिपुरा में राज करता था, आज हमको थानसा लेकर विदाउट कॉम्प्रोमाइज विदाउट कमिटमेंट हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर हमने कमिटमेंट दिखाया, अगर हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हमें ग्रेटर तिप्रा लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिल सकता है। क्या है ये आइडियोलॉजी, क्या है ये कमिटमेंट? आप लोग 19 गांव सभा का चेयरमैन से मेंबर्स है। कमिटमेंट तोड़ने के लिए बहुत लोग, हम लोग का थानसा तोड़ने के लिए बहुत लोग रेडी है, हां कि नहीं? न्यूज़पेपर में आप देखो रोज हम लोग के खिलाफ कुछ लिखा जाता है। कोई बोलता है कि बीजेपी हमारे एमडीसी के संग टच में है। कौन सा एमडीसी नाम नहीं लेगा? क्यों? नाम लेने से उनके पास कोई सबूत नहीं है। यहां में बुद्ध बाबू है, वो सीएम था, इससे पहले भी हम लोग पावर में आया था, थानसा वो टाइम तोड़ा, तिप्रासा को कुछ फायदा नहीं हुआ, हम लोग को ही नुकसान हुआ। आज क्योंकि हम बुबागरा ग्रेटर तिप्रा लैंड का मूवमेंट आगे ले जा रहा है, ये लोग बुबागरा को खरीद नहीं सकता है, ये बुबागरा को धड़ा नहीं सकता है, ये लोगों का क्षमता नहीं है कि आपका बुबागरा का संघ चैलेंज कर सके, तो ये लोग पीछे से मारेगा, यहां से मारेगा। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि 2023 में, ये जून मास हो गया है, 2023 और 6 महीने के बाद है, 6-7 महीने के बाद, ये 6-7 महीने के बाद अगर हमने अपना थानसा रखा ना, हम बोल रहे हैं कि पूरा आप लोग विश्वास करो अपने ऊपर, आप लोग विश्वास करो अपने ऊपर, और हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ देगा, वरना हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लोग अब बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ मतलब पूरा दोहा के साथ। तो सबका साथ सबका विकास बोलता है तो क्यों हम लोगों का थानसा तोड़ने के लिए बोलता है? तुम्हें जमतिया, तुम्हें रूपिनी, तुम्ही दारलोंग, तुम्ही देव वर्मा, तुम्ही चाकमा, तुम्ही मोग, तुम्ही उच्चय, तुम्ही रूपिनी, क्यों? क्यों हम लोगों का थानसा तोड़ने के लिए, हम लोगों का तिप्रासा लोगों को तोड़ने के लिए सबका साथ तो नहीं? आप तो बांट रहे हैं हम लोगों को। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। आप लोग खुमुलुंग यहां में जम्पुई जला, टाकर जला, पैकर जला में जाके देखो, और यहां से थोड़ा आगे जाके मजलिशपुर में देखो, जिरानिया की तरफ देखो, वहां में रास्ता अच्छा है, वहां में बिजली कभी नहीं जाता है, वहां में स्कूल है, और हम लोग का एरिया में देखो, अभी
बारिश होगा तो करंट नहीं रहेगा तीन तीन दिन तक। स्कूल में छत से लीक पानी गिर रहा है, टीचर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। जिराने में जाओ, सामने में आपको हॉस्पिटल अच्छा मिलेगा, यहां में देखो। तो सबका विकास कैसे हुआ 70 साल में? कुछ विकास नहीं। ये इनका राजनीति है। इलेक्शन का पहले लॉलीपॉप देगा, मुख्यमंत्री बन जाओ, दशरथ देव मुख्यमंत्री बन जाओ, सब लोग तिपरासा लोग वोट करेगा, मुख्यमंत्री बनता है मानिक सरकार। यहां में सब लोग बोलता है अभी तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाना है, तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाना है। कभी नहीं बनेगा नेशनल पार्टी में। बोबाग्रा को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, सब तिपरासा ने वोट किया, लेकिन जब सीएए हुआ तो बोबाग्रा को बोला हट जाओ। ये सब लॉलीपॉप देता हम लोगों को। इसके लिए आज हम लोग समझ चुका है कि आज आंचलिक पार्टी ही कुछ ना कुछ निकाल सकता है अपना तिपरासा के लिए। तेलंगाना को बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं दिया, तेलंगाना राष्ट्र समिति ने दिया। छत्तीसगढ़ में वहां का ट्राइबल लोग ने फाइट किया, इसके लिए छत्तीसगढ़ मिला। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। नेशनल पार्टीज कभी भी वोट बैंक के लिए आपको तिपरासा को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आप लोग का संख्या कम है। इसके लिए आंचलिक पार्टी रहना जरूरी है। अगर तिपरासा के बारे में बात करना है तो आंचलिक पार्टी को जिंदा रहना जरूरी होगा। लेकिन आंचलिक पार्टी का भी एक दायित्व है। आंचलिक पार्टी अगर सरकार में बैठ के 4 साल तक चुप रहेगा, जो आंचलिक पार्टी तिपरालैंड बोलकर पावर में आया, हताई कतौर में रोड ब्लॉकेट किया, आप लोग ने अपना पॉकेट से रंग दिया, बुरा गरीब मां लोग ने खाने के लिए कुछ नहीं है तभी भी जाके मार दिया हताई कतौर में। यहां में आईपीएफटी का भी पुराना लीडर है, सैक्रिफाइस किया, लेकिन पावर में आने के बाद ये लोग एक बार भी असेंबली में तिपरालैंड के बारे बात नहीं किया। आज हम लोग को बोलता है कि ग्रेटर तिपरालैंड का रेजोल्यूशन पास किया है खुमुलुंग में, लेकिन अगरतला में क्या हो रहा है? हम लोग तो कोशिश कर रहा है, पावर में आया है तिपरा मोथा, 1 साल हुआ है। 1 साल में पावर आने के बाद हमने कभी, बुबाग्रा ने कभी ग्रेटर तिपरालैंड के बारे बात नहीं किया। हर जगह में बात किया, लंदन में जाके बात किया, दिल्ली में जाके बात किया। जो बुबाग्रा इलेक्शन से पहले था आज भी वही बुबाग्रा आपके सामने आपका अधिकार के लिए बात कर रहा है। इसको बोलता है लीडरशिप। जो लीडर पावर आने के बाद चुप हो जाता है, हमको वोट क्यों मिला? हमको वोट मिला है क्योंकि हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं। और ये जो न्यूज़पेपर में लिखता है कि 7 एमएलए 8 एमडीसी, हम आपको यहां में क्लियरली बोल रहे हैं, यहां में मीडिया भी है, यहां में हमारे चेयरमैन साहब है, चित्तो बाबू है, गणेश है, हमारे यूथ लीडर्स है, मैं आपको बोल रहा हूं सबको खरीद लो। लेकिन अगर बुबाग्रा जिंदा है ना, आप 10 को खरीदो, हम 100 पैदा करेगा लीडर। आप 100 लीडर को खरीदो, हम 1000 लीडर पैदा करेगा। लीडर का दरकार नहीं है हमको, हमको तिपरासा, हमको ग्रेटर तिपरालैंड में लीडर नहीं चाहिए, हमको आपका सपोर्ट चाहिए। लीडर तो आएगा, कल जाएगा। हमने हमेशा बोला ये लाल बत्ती पूरा जिंदगी आपका साथ नहीं रहेगा, आप दोफा के लिए बात करो, बोलता था कि नहीं हम? हां कि नहीं? ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, बोलता था कि नहीं? आज आप देखो, हम बहुत प्यार करता है मेवार को। मैंने उस दिन देखा वो भाषण दे रहा था, आंख से आंसू आ रहा था। आज पावर चला गया मेवार का। जिस टाइम मेवार ने तिपरालैंड के बारे, थानसा के बारे बात किया, मेवार को हटा दिया।
एक तरफ से आईपीएफटी ने हटाया और वहां से बीजेपी ने हटाया मंत्री से, क्योंकि ये लोग नहीं चाहता है कि तिपरासा अपना दोभा के बारे, थनसा के बारे बात करे, क्योंकि जब तिपरासा दोभा के बारे बात करता है, थनसा का बारे बात करता है, तो ये लोग को डर लगता है, इसके लिए तोड़ दो, काट दो, बांट दो। हम लोग में भी गलती है, हम लोग का भी, तिपरा मोथा का भी बहुत गलती है, कुछ कुछ लीडर लोग ने भी गलती किया है, लेकिन तभी भी आप लीडर को देखो, हमको देखो, हमने तो आपका संग धोखा नहीं किया, हमने आज तक नहीं बोला कौन जमतिया है, कौन देवबर्मा है, कौन रूपिणी है, कौन रियांग है, कौन कोलोई है। अभी हमारे चेयरमैन साहब जगदीश देवबर्मा ने एक बहुत अच्छा बात बोला, खुमुलुंग सबका है, साबरूम हो, मनु हो, छामनु हो, ओम्पी हो, किल्ला हो, कंचनपुर हो, जुलाईबारी हो, पानी सागर हो, रायमा वैली हो, करबुक हो, अंबासा हो, कुमलुंग सबका है। लेकिन 16 दिसंबर को एक नेता आया था यहां में कुमलुंग में, हम नाम नहीं लेगा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता, एक लीडर यहां में 16 दिसंबर में आया था, आंदोलन किया, हमारा बेइज्जती किया, बोला कुमलुंग को यहां से लेकर कहीं और ले जाएगा, ये आपके ऊपर डायरेक्ट चैलेंज था इनका, याद है कि नहीं, कुमलुंग को यहां से निकाल के ले जाएगा। हमने 5 दिन बाद यहां में कुमलुंग में पापन और लकी अली का शो किया, पूरा अगरतला आया, हमने दिखाना चाहता था कि कुमलुंग भी अगरतला से ज्यादा अच्छा है। यही लोग, लीडर लोग जो बोलता कुमलुंग को यहां से हटा के ले जाएगा, यही लीडर ने 4 महीने के बाद नेशनल पार्टी ज्वाइन करके अपना असली शकल दिखा दिया, ये लोग ने असली शकल दिखाया, थनसा तोड़ना है, पैसा आया है थनसा तोड़ेगा। मेवाड़ ने थनसा के बारे बात किया तो मेवाड़ को हटा दिया, इसके लिए हम बोलता है पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता है। जो लोग पैसा के पीछे भाग रहा है ना, लो बीजेपी का पैसा, लो कांग्रेस का पैसा, लो सीपीएम का पैसा, लेकिन दिल में मत भूलो कि अंत में जिस दिन आप मरेगा, आप तिपरासा बन के आप अपना हा में आप मरेगा। आप जितना भी पैसा ले लो, जितना भी वीआईपी बन जाओ, मंत्री बन जाओ, ये कॉन्ट्रैक्टर बन के जो भी बन जाओ, लेकिन आखिर में जब आपको भगवान के पास, सुब्राय के पास, जीसस के पास, राम के पास, जहां भी अल्लाह के पास जाना है, अंत में आप तिपरासा बन के ही जाएगा। क्या ये मेरा पॉलिटिकल जर्नी कैसे शुरू हुआ? मैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया था। मेरा पॉलिटिकल जर्नी शुरू कब हुआ फिर से? मैंने तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया था तब, जब माधव बारी में सीए के टाइम, जब हमारा तिपरासा को गोली मार, एम्बुलेंस से निकाल के आदमी को मारा, याद है? कितना साल हुआ? 4 साल हुआ है बस, 3 साल हुआ, 2019 जनवरी में हुआ, 3 साल भूल गया हम लोग तिपरासा लोग। फिर से होगा ये, अगर हम लोग का थनसा नहीं है फिर से होगा। हमने वो टाइम एनसी देवबर्मा को बोला था, आप अपना दोफा के साथ है या गवर्नमेंट के साथ है आप, या फिर इसको कंडेम करो, और अगर कंडेम नहीं करता है तो रिजाइन करो और अपना दोफा के संग अपना ईमानदारी दिखाओ, थनसा दिखाओ। एनसी देवबर्मा ने नहीं किया, नहीं किया। आज ये लोग ने एनसी देवबर्मा को, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो तिपरासा का संग नहीं। जब विश्वजीत देवबर्मा को मारा गया, बहुत नेता लोग ने तो जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस फाइल किया, ये किया, वो किया, आज कहां है? आज विश्वजीत देवबर्मा के बारे क्यों नहीं बात करता है? क्योंकि वो लोग ने आज बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। डिमांड करो
हम अभी भी यहां में कैमरा के सामने बोल रहे हैं। विश्वजीत देव वर्मा को जो लोग ने मारा कैमरा में का सामने मारा है, उसका अरेस्ट होना चाहिए, मैं अभी बोल रहा हूं। लेकिन जो लोग ने वो टाइम आवाज किया, आज वो लोग चुप क्यों बैठा है? बीजेपी में क्यों ज्वाइन किया? क्या हो गया? चीनी हाथ चीनी शासन क्या हुआ? हिम्मत है तो मैं लंदन में जाके मैं बोल सकता हूं कि तिपरा सा तिपरा के लिए है। मैं लंदन में जाके ग्रेटर तिपरा लैंड बोलता हूं, दिल्ली में जाके ग्रेटर तिपरा लैंड बोलता हूं, अगरतला में ग्रेटर तिपरा लैंड बोलता हूं, मीडिया के सामने ग्रेटर तिपरा लैंड बोलता हूं, मैं नहीं डरता हूं। और जो लोग वी वॉन्ट जस्टिस बांग्लादेशी गो बैक, बांग्लादेशी गो बैक, चीनी हाथ चीनी शासन करबुक में, अमरपुर में, ओमपी में, किल्ला में, अगरतला में, सबका साथ सबका विकास हो गया आज। हाँ, शर्म नहीं लगता है? शेम। अगर आपको बीजेपी का संग मिलना ही था तो इतना बड़ा डायलॉग क्यों किया? मैं लंदन जाता था, सबने बोला महाराजा हिंदुस्तान के खिलाफ मत बोलो, मेरा पूरा भाषण दे दो। एक शब्द हमने इंडिया के खिलाफ नहीं बोला, हम इंडिया को प्यार करता है, एक शब्द इंडिया के खिलाफ नहीं बोला, तभी भी तिपरासा का बात रखा। और ये लोग जो आज हम लोग को बोलता है भारत माता की जय, जिनीवा में जाके इंडिया के खिलाफ बोल के आया, आज भी यूट्यूब में है, आज बोलता है भारत माता की जय। आज ये बात कल वो बात, आज ये बात कल वो बात, आपको समझना है। यहां में कोई चमत्या नहीं है, कोई देव वर्मा नहीं है, कोई त्रिपुरा नहीं है, कोई रूपिणी रंगखोल मौसम रियांग नहीं है, हम लोग सबसे पहले बुकुंग बारा है, हम लोग सबसे पहले तिपरासा है। और 2023 में यहां से तो 100% जीतेगा, 100% जीतेगा। लेकिन इसको भी छोड़ के खैपुर है, मजलिशपुर है, माताबारी है, अमरपुर है, पानी सागर है, और आज सूरमा भी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सूरमा में तिपरा मोथा ने कैंडिडेट दे दिया है। सूरमा में आज तक, सूरमा में आज तक तिपरा सा हम लोग का बुकुंग बारा लोग ने आज तक आंचलिक पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि आंचलिक पार्टी जनरल सीट और एससी सीट से कैंडिडेट देते नहीं था। पहला बार हम लोग ने एक एससी सीट 1977 के बाद पहला बार हमने एक एससी सीट से भी एक कैंडिडेट दिया है आंचलिक पार्टी से तिपरा मोथा ने। और जो लोग बोलता है कि तिपरा मोथा कम्युनल पार्टी है, सिर्फ तिपरासा का बारे बात करता है, हमने हिंदुस्तानी को एससी को हमने कैंडिडेट दिया। हम लोग तिपरासा लोग का दिल बड़ा है, हम लोग कम्युनल नहीं है। जब बांग्लादेश में हिंदू लोगों को मारा गया, हम लोग के घर में खाना नहीं था, हम लोग ने खाना दिया, जमीन दिया। हम लोग का दिल छोटा नहीं है, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है। और तिपरा मोथा आपको एक बात बोल रहा है, धनपुर हो, अपना तेलियामुरा हो, तिपरा मोथा तो कैंडिडेट देगा। एक सीट में नहीं, 20 सीट में नहीं, 35 सीट से ज्यादा भी दे सकता हूं, 37-40 सीट में भी दे सकता हूं। और हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कोई बोलता है कि तिपरा मोथा अगर सिर्फ, हम ज्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है ना, आपको नींद तो नहीं आ रहा है ना? हाँ, बस। कोई बोलता है कि तिपरा मोथा सिर्फ 35 सीट पे फाइट करेगा तो सरकार कैसा बनाएगा, बोलता है कि नहीं? हम देखता है फेसबुक व्हाट्सएप में, 35 सीट में लड़ेगा तो गवर्नमेंट कैसा बनाएगा तिपरा मोथा? आप उल्टा देखो, उल्टा उल्टा सोचो, तिपरा मोथा का बिना
कोई सरकार त्रिपुरा में बना ही नहीं सकता है, मैं आपको बोल रहा हूं। और जब तक यहां में चित्तू बाबू से आज बात हो रहा था, चित्तू बाबू जब तक ये लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का हम लोग का बात नहीं मानेगा, हम लोग किसी के संग सरकार बनाएगा भी नहीं। जब तक आप लोग नहीं देगा हम लोग बैठेगा। आप बनाओ सरकार 10 MLA से 15 MLA से बनाओ, त्रिपुरा मोथा के बिना कोई गवर्नमेंट बना नहीं सकता त्रिपुरा में। और जब तक आप हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड राइटिंग में नहीं देगा हम लोग आपको समर्थन भी नहीं करेगा। आप देखो ठीक बोला कि नहीं, और ओपनली बोल रहा है, मीडिया में है ये, आएगा यूट्यूब में। अब मोहनपुर से अरे बुबकरा सब ये शुरू हो गए, लोग डरता है ये लोग, किससे डरता है ये लोग? नहीं, थानसा से डरता है। बुबाग्रा और थानसा एक ही है, ये बुबाग्रा का थानसा से डरता है, बुबाग्रा से नहीं डरता, ये मेरा कमिटमेंट से डरता है, ये हम लोग से इसलिए डरता है क्योंकि ये लोग जानता है कि ये लोग बुबाग्रा को खरीद नहीं सकेगा। लेकिन हम लोग का आप लोगों को 19 का 19 गांव सभा में आपको बोल रहा हूं, आप लोगों को स्ट्रांग होना है। ये लोग रेगा के नाम में, कॉन्ट्रैक्ट के नाम में, जाति के नाम में आपको बांटने का कोशिश कर रहा है। गणेश ने अपना घर में लैंप लगा दिया, चित्तू बाबू इससे बात करता उससे बात नहीं करता, जगदीश बाबू यहां का है, मंदाय का है, यहां का नहीं है, ए गणेश वो है, बुबाग्रा यहां का है। ये प्रॉब्लम पूरा तिप्रासा का, जाति का है, तोफा का है। सिर्फ 7 महीना, कितना महीना? 7 महीना।